ये देखो तेरा शकल आ रहा है वीडियो पे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है मेरी मैरिज एनिवर्सरी के दिन का, जो कि मैंने दोपहर से ये शुरू हुआ है, लेकिन इससे जो आपने पिछला वीडियो देखा है वो भी आज का ही वीडियो था दोपहर तक का। और उसके बाद आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को हमारी मैरिज एनिवर्सरी को पूरे 12 साल हो गया है। 2010 में मेरी शादी हुई थी 1 अप्रैल के दिन। तो अभी यहाँ पर देखिए दोपहर का टाइम हो रहा था और यहाँ पर आया था आइसक्रीम। और अभी के मौसम में ना इतनी गर्मी चल रही थी, तो फिर आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है। तो देखिए हमने आइसक्रीम ले लिया है। और उसके बाद अभी हो गया है शाम का टाइम, तो शाम के टाइम में मैं थोड़ा सा अभी तैयार हो रही हूँ, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, और घर में ही छोटू सा एक सेलिब्रेशन करेंगे केक कटिंग का। तो बस वो मेरे जो हस्बैंड है वो भी शाम को ही आ गए थे अपने काम से। और इस बार ना मैं मंदिर नहीं जा पाई, बच्चों का भी स्कूल था और फिर अयांश भी छोटा था, और इतना जल्दी मैं तैयार हो ही नहीं पाती। तो इस वजह से मैंने घर में ही नहा धो के बस भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया। और वैसे तो हर मैरिज एनिवर्सरी के टाइम ना हम लोग मंदिर ज़रूर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़रूर जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मंदिर, बस कोई मंदिर होना चाहिए। तो बस इस बार नहीं जा पाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसके वजह से भी मैंने तैयार हो ही नहीं पाऊँगी सुबह सुबह, और बच्चों का भी स्कूल था। तो ये देखिए यहाँ पर आशी तैयार हो गई है और मैं भी लगभग तैयार हो गई हूँ, और बस आदित्य भी तैयार हो गया है, और अभी बस अयांश रह गया है तैयार होने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ अयांश को तैयार करने के लिए। अभी ये ना यहाँ पर खेल रहा था, तो फिर ये देखिए इसको भी मैं न्यू कपड़े पहना देती हूँ। और अभी जैसे कि छोटा है, तो फिर क्या इसके इसीलिए ना मैं इसको एकदम लास्ट में तैयार करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को मुझे लगता है ना कि लास्ट में तैयार करना चाहिए। और पहले तैयार करने से क्या होता है कि हमें कितना ना कितना टाइम लगेगा इस वजह से। और बच्चे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, इनको क्या होता है कि बस टीका लगा दीजिए, नए कपड़े पहना दीजिए, हो गए। आदित्य आशी तो इतने बड़े हो गए हैं कि खुद तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए आशी ने येलो टॉप पहना है, मेरा और आशी का ड्रेस यहाँ पर सेम हो गया है, लेकिन हमने मैचिंग करके नहीं पहना है। और आदित्य और आदित्य के पापा और अयांश का कपड़ा तो हल्का फुल्का मैचिंग हो गया है, ये देखिए वाइट शर्ट, वाइट अयांश का भी वाइट टी शर्ट है, और यहाँ पर आदित्य के पापा ने भी वाइट कलर का कुर्ता ही पहने थे। तो ये देखिए मेरा छोटा सा बाबू तैयार हो गया है। और अभी ना आप सब सोचोगे कि ये वीडियो इतना लेट क्यों जा रहा है, तो उसका कारण यही है कि मैं थोड़ी बिजी थी 1-2 दिन से, इस वजह से। और ये रहा हमारा केक। यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने केक कट कर लिया है, और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ मैंने ये
सेलिब्रेट किया अपना एनिवर्सरी। और वैसे तो देखिए मेरा तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन बस थोड़ा सा मतलब कि देखिए डेली तो एक ही दिन हमारा रहता ही है, लेकिन ये साल में एक बार आता है, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो मैं जितना कर पाई उतना तो मैं कर ही रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर खीर बना रही हूँ, और मेरा बिल्कुल भी अभी कहीं जाने का मन नहीं करता है, बाहर तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है। अभी अयांस इतना छोटा है कि सिर्फ उसे गोदी में ही हम लोग ले सकते हैं, तो इसी वजह से मुझे बाहर बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है। और गोदी में क्या है कि ज़्यादा देर रखते भी है ना, तो देखिए कमर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है। हालांकि आदित्य के पापा भी लेते हैं और हम मैं लेती हूँ बस, तो थोड़ा सा बाहर जाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से हमने ना कहीं मंदिर वगैरह नहीं गए। और आदित्य आसी को तो अभी अयांस नहीं, उनको मैं देती हूँ इतना गोदी, क्योंकि वो लोग नहीं संभाल पाएंगे इसी वजह से। तो अभी यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने ना खीर बनने के लिए रख दिया है, और अब मैं यहाँ पर पूड़ियाँ तल रही हूँ। आटा मैंने गूंद लिया था तैयार होने से पहले ही, और उसके बाद सिर्फ मुझे पूड़ी बनाना था। तो मैं क्या कर रही हूँ कि पहले इसमें अभी बेल के रख लूँगी, क्योंकि एक ही बार जब तेल गर्म हो जाता है ना, फिर फटाफट संभालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो इसी वजह से मैं नीचे बैठ कर आराम से बेल लेती हूँ। उसके बाद आराम से फिर मैं फ्राई कर लूँगी एक एक पूड़ियाँ। और पूड़ी तो देखिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन ना कभी अच्छा स्पेशल दिन होता है मैं उस दिन पूरी ज़रूर बनाती हूँ, और मुझे लगता है सबके घर में बनता ही होगा। तो अभी मैंने सोचा कि आज मैं खीर पूरी बनाती हूँ। तो यहाँ पर आदित्य जिद कर रहा था, जो चिप्स होते नहीं ये चावल वाले, वो वाले चिप्स फ्राई करने के लिए बोल रहा था, तो इसी वजह से वो यहाँ पर आ गया था और बोला था कि जल्दी से मेरा चिप्स फ्राई कर दीजिए। तो यहाँ पर मतलब कि चिप्स लेकर खड़ा ही है। तो ये देखिए पहले मैं यहाँ पर पूरी डाल देती हूँ, मैंने कहा कि पूरी बेलने मुझे ये करने दो, क्योंकि चावल वाले चिप्स में ना बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेता है, और अभी गर्मी सीजन में जितना ऑयल कम खाएंगे उतना अच्छा। और ये देखिए यहाँ पर मैं डांट लगा रही हूँ आदित्य को। तो फिर ना जो चिप्स नहीं थे, चिप्स के जो छोटे छोटे नहीं होते हैं टुकड़े नीचे जो बच जाता है वो वाला था, तो वो तलने के लिए जिद कर रहा था। और मुझे ऐसे भी तेल से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बच्चों का क्या है कि वो खेल खेल में तेल छुएंगे, अगर थोड़ा सा भी मतलब कि छिटक वगैरह जाएगा हाथ में तो सोचिए कितना फिर वो तो दाग ही रह जाता है। क्योंकि मेरे हाथ में मेरे लेफ्ट हैंड की साइड में ना एक दाग है, जो कि अभी तक है, बहुत बड़ा सा दाग है। तो इसी वजह से मैं काफ़ी डरती हूँ, और ये भी मेरा जला ही था वो बचपन में ही, तो इसी वजह से बच्चों को ना ये जो मतलब कि तेल है, खासकर तेल, गर्म पानी, दो चीज़ से ना हमेशा दूर ही रहना चाहिए। इसीलिए मुझे बहुत डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है, और मैं इनको डांटती भी हूँ। तो अब देखिए आसी भी आ गई है, और आसी तुरंत अपने कपड़े वगैरह चेंज कर ली है। तो बस अभी मैंने यहाँ पर खाना वगैरह बना लिया है, और मैंने बस छोटा सा ये सेलिब्रेट किया। और हाँ, मैंने ना 12 साल में फर्स्ट टाइम अपनी एनिवर्सरी में मैंने और मेरे हस्बैंड ने केक कट करके सेलिब्रेट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।